तो कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता रहीं राधिका खेड़ा का सियासी बखेड़ा लगातार जारी है। आज दिल्ली में राधिका खेड़ा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आरोपों की मानो झड़ी लगा दी। कांग्रेस ने भी जवाबी हमला किया। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने राधिका के आरोपों को मनगढ़ंत करार दिया। राधिका खेड़ा ने सुशील आनंद शुक्ला पर शराब ऑफर करने के साथ साथ बंद कमरे में गंदी गंदी गालियां देने के आरोप लगाए। साथ ही आला नेताओं को लेकर कहा कि फोन करने की उन्होंने कोशिश की, किसी ने फोन तक नहीं उठाया। राधिका ने रामलला के दर्शन का जिक्र किया, कहा इसके बाद से कांग्रेस मेरे खिलाफ हो गई। इधर राधिका खेड़ा के आरोपों को कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने सिरे से खारिज कर दिया। दीपक बैज ने कहा कि सुशील आनंद शुक्ला और राधिका खेड़ा का आपसी विवाद था, इसे उन्होंने पार्टी का मुद्दा बना दिया। वहीं शराब ऑफर करने के आरोपों को दीपक बैज ने मनगढ़ंत करार दिया। साथ ही राम मंदिर के नाम पर कहा कि मैं भी राम की पूजा करता हूं, जब भी मौका मिलेगा मैं अयोध्या जाऊंगा। सुशील आनंद शुक्ला ने भी राधिका के आरोपों को गलत करार दिया। और अब आपको राधिका के आरोप और दीपक बैज, सुशील आनंद शुक्ला ने क्या कुछ कहा, इस पर पलटवार किया, वो सुनवाते हैं। गांधी जी की यात्रा के दौरान मुझे शराब ऑफर करी, उनके साथ एक और उनके साथी थे धनंजय ठाकुर, और मैं यहाँ से कांग्रेस के दो लड़कियां जो काम करती थी मीडिया डिपार्टमेंट में वो मेरे साथ थी, और उनके सामने ही हुआ कि लगातार मुझे रात को कमरे में, जब हम कोरबा में थे, जब हम वहाँ पे यात्रा में वेट कर रहे थे रात को, तो मुझे लगातार फ़ोन करके सामने भी आके कि आपको कौन सी शराब चाहिए, हम आपके कमरे में शराब पहुँचाने का काम करेंगे, और शराब पी के 5 से 6 इसके प्रवक्ताओं के साथ मीडिया चेयरमैन आके मेरे कमरे पे भी खटखटाते थे। ये बात मैंने सचिन पायलट जी को भी तब कही थी, वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष को भी दीपक बैज जी को भी कही थी, और दिल्ली में भी जयराम रमेश। इधर राधिका खेड़ा के बीजेपी में शामिल होने की चर्चा पर बीजेपी के विधायक अजय चंद्राकर ने कहा कि जो राष्ट्र से प्रेम करता है उसका बीजेपी में स्वागत है। उन्होंने ये भी कहा कि हर राष्ट्रवादी का बीजेपी में स्वागत है। राधिका खेड़ा का अपमान सिर्फ उन्हीं का अपमान नहीं, इससे छत्तीसगढ़ का सिर शर्म से झुक गया। उन्होंने आरोप लगाया कि महिलाओं का अपमान करना कांग्रेस की परंपरा है। बीजेपी में स्वागत है, जो राष्ट्र को प्रेम करता है, इसे हर व्यक्ति का बीजेपी में स्वागत है। कांग्रेस में उनको न्याय की आशा नहीं मिली, कमरे में बंद हो गई, डांट फटकार हो गई, अपमानित हो गई, आशा नहीं दिखी उसको न्याय की, और बड़े नेता नहीं चाहते थे कांग्रेसी कि राधिका खेड़ा जी के अपमान में कोई कार्रवाई हो। महिलाओं को अपमानित करना कांग्रेस का नैतिक दायित्व है, और छत्तीसगढ़ में अपमानित हुई तो कांग्रेस का मैटर नहीं रहा, छत्तीसगढ़ का सर जो है शर्म से झुक गया कि छत्तीसगढ़ में महिलाओं के साथ ऐसा व्यवहार नहीं होता था। इधर राधिका विवाद में बीजेपी के नेता सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस पर निशाना साधा, जहां उन्होंने कहा कि कांग्रेस का यह अंदरूनी मामला है, कांग्रेस में लोग घुटन महसूस कर रहे हैं। जिस प्रकार की परिस्थितियां चल रही हैं, एक के बाद एक नेता घुटन महसूस कर रहा है, यह उनका अंदरूनी मामला है, और मैं कहना चाहूंगा कि जो अंदर की उनकी स्थिति है वो पूरी तरीके से उजागर होती चली जा रही है। तो क्यों हो रहा है, कैसे घटित हो रहा है, और ये लंबे समय से घटित हो रहा है, मैं याद दिला दूं, सीक्वेंस वहां से शुरू होता है। आप लोग में से बहुत से लोगों के दिमाग से विस्मृत हो गया होगा, अरुणाचल प्रदेश के कांग्रेस के मुख्यमंत्री कोलिको पुल, जिन्होंने आत्महत्या कर ली थी, उन्होंने अपने बयान में लिखा था कि 2 साल तक उनको मिलने का समय नहीं दिया गया, और वहां से फिर एक लंबा सीक्वेंस आज राधिका खेड़ा तक आता है। मुझे लगता है इस सवाल का जवाब कांग्रेस वालों से पूछा जाए तो ज्यादा बेहतर होगा कि आप। तो रायपुर से लेकर दिल्ली तक की सियासत एकदम गर्म है राधिका खेड़ा के इस पूरे प्रकरण को लेकर। ममता हमारी सहयोगी रायपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, शंकर आनंद दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन दोनों के पास हम आपको लिए चलेंगे और क्या कुछ अपडेट इसमें हो रहा है, लगातार वार पलटवार के सिलसिले चल रहे हैं। शंकर, पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा, रायपुर का मामला, दिल्ली की सियासत गर्म, बीजेपी के पास अटैक करने का एक मौका, और कल वोटिंग होनी है। शंकर, निश्चित तौर पर देखिए, जिस तरह से राधिका का जो आरोप है वो आरोप बेहद संगीन है,
और बेहद संवेदनशील है। और जिस तरह से इस मामले पर बीजेपी का एक कहा जा सकता है कि बीजेपी का आरोप इस मामले पे जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप का जो दौर चल रहा है, खासतौर पर अभी के जो राजनीतिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो बेहद महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि इस मामले पर अब कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोई भी जवाब जो है वो जो सटीक जो है वो नहीं मिल पा रहा है। और जिस तरह से बकायदा एक तरह से कह सकते हैं राधिका ने जिस तरह से आरोप की अगर बात करें तो जिस तरह से शराब का मसला है वो अपने आप में बहुत बड़ा मसला है, जिस तरह से सनातन विरोधी जो जिस तरह से बयानबाजी का मसला है वो बेहद गंभीर मसला है, और जिस तरह से राधिका ने ये भी कहा कि वो अयोध्या जाना चाहती थी, अयोध्या गई तो उसके बाद उनके पार्टी के कुछ वरिष्ठ नेता इस मामले पर उसके विरोध में खड़े हो गए, ये आरोप बेहद संगीन है। और इसके साथ साथ कई ऐसे मसले थे जो कि जिस मामले में राधिका ने साफ शब्दों में कहा कि उनके इस मामले में जो तमाम शिकायतें हैं वो अपनी शिकायतें अपने सीनियर्स के सामने भी की, चाहे वो पायलट के सामने सचिन पायलट की बात करें या अन्य दूसरे वरिष्ठ नेता जो हैं उनके सामने उन्होंने तमाम मसलों को रखा, तमाम मुद्दों को रखा, लेकिन बहुत ज़्यादा उनके शिकायत को तवज्जो नहीं दिया गया। तो ये जो मसला है, इन्हीं तमाम मसलों को ध्यान में रखते हुए राधिका ने जिस तरह से पार्टी छोड़ने का ऐलान किया, जिस तरह से इस मामले पर आज कई संगीन आरोप लगाई है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, कहा जा सकता है कि ये मसला जो है इस मसले पर सिर्फ छत्तीसगढ़ की राजनीतिक गलियारों में नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ से लेकर राजधानी दिल्ली के जो राजनीतिक गलियारे हैं वहाँ पर इस मसले को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता भी इस मामले पर बयान दे रहे हैं और कह रहे हैं कि जिस तरह से महिलाओं का जो मसला है, महिलाओं से जुड़ा हुआ जो कई ऐसे मसले हैं जिस मसले को लेकर कांग्रेस आगे बढ़ रही थी, तो कहीं कहीं वो चाल चरित्र और चेहरा वाली जो बात है वो निकल के सामने आ रहा है कि एक ऐसी महिला नेता जो राधिका जो करीब 22 साल तक कांग्रेस में रही, लेकिन कांग्रेस में जिस तरह से उनके साथ में जिस तरह से उन्होंने आरोप लगाया कि उनके साथ में गलत हुआ और जिस तरह से उनके साथ में गलत व्यवहार हुआ और जिस तरह से बंद कमरे में उनके सामने कई सीनियर्स के सामने जो ज्यादा उनके साथ में कुछ लोग चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, उनकी बातों को नज़रअंदाज किया जा रहा है, और सनातन विरोधी जो सनातन का जो मसला है, देखिए आज के राजनीतिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो उस मामले को लेकर खासतौर पर अगर कोई कांग्रेसी नेता अगर अयोध्या जाता है, रामलीला का दर्शन करता है तो उसे गलत तरीके से देखा जाता है या कह सकते हैं कि वो पार्टी विरोधी है, तो इस तरह के जो आरोप हैं, हालांकि इस आरोप का ऐसे आरोप का कोई मतलब नहीं बनता है, लेकिन अगर आरोप लगा जाता है, किसी महिला नेता को परेशान किया जाता है और पार्टी लाइन में उन्हें साइड किया जाता है तो कहीं कहीं ये मसला बेहद संगीन है। और इन तमाम मामलों की गंभीरता को देखते हुए ही इस तरह से व्यवहार ही अपने आप में एक अपराध की श्रेणी में आता है नए नियमों के तहत। ममता हमारे साथ जुड़ी हुई है। ममता, क्या इसकी सच्चाई है? बंद कमरे के तमाम आरोप हैं, एक एक कर ये सिलसिलेवार ऐसा लग रहा है किताब एपिसोड वाइज ये जारी किए जा रहे हैं, पर यह तय है कांग्रेस इसे लेकर ना साफ जवाब दे पा रही है और ना वो जवाबदेही ले पा रही है कि हाँ उनका प्रमाइसेस है, उनकी जिम्मेदारी है, साफ गोई नहीं है कांग्रेस में। ममता, देखिए शुरुआती तौर पे जब दीपक बैज के बयान आए, जब दीपक बैज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली तो उस तरह की साफ गोई नहीं दिखाई दी थी, लेकिन उसके बाद सुशील आनंद शुक्ला आए और अपने तमाम जो महिला प्रवक्ता हैं उनके साथ उन्होंने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस ली और उसके पहले दीपक बैज ने दोबारा बयान दिया और उस बयान में ये कहा कि बीजेपी की जो स्क्रिप्ट है उस पर राधिका खेड़ा खेल रही हैं। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो सुशील आनंद शुक्ला का कहना था कि जो राधिका खेड़ा कह रही थी कि कोरबा में मैंने रात को 1 बजे उनका दरवाजा खटखटाया था तो कोरबा में गया ही नहीं था, हम लोगों ने रायगढ़ से सीधे हम बड़वानी गए थे और वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी, तो ये साफ तौर पर जो है वो झूठे आरोप है। दूसरी तरफ अगर बात करें तो सुशील आनंद शुक्ला का कहना है कि उन्होंने अपने अधिवक्ता से बात की है और अब वो मानहानि का दावा जो है वो दायर करेंगे। इसके साथ ही एक बड़ी बात उन्होंने जो कही है कि जो राधिका खेड़ा का जो वीडियो वायरल हुआ है इस बात को लेकर पार्टी ने संज्ञान में लिया है कि वो जो वीडियो है वो बीजेपी के षड्यंत्र से बनाया गया है और सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस के कुछ लोग उसमें शामिल है और पार्टी ने इस बात को संज्ञान में लिया है और इसकी जांच की जा रही है और जांच के बाद में ऐसे लोगों पर जो उसमें शामिल है वीडियो बनाने में उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सुशील आनंद शुक्ला का कहना है कि कोरबा जो भारत जोड़ो यात्रा जो है वो फरवरी में हुई थी और फरवरी में अगर मैंने उनका दरवाजा खटखटाया था, सुशील आनंद शुक्ला का कहना है कि मैंने कभी शराब नहीं की, नहीं पी, पूरे खानदान ने नहीं पी, आप किसी से भी पूछ सकते हैं, महिला प्रवक्ता जो है उन्होंने वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस ली, लेकिन उसके बाद सुशील मेरे ख्याल से सुशील आनंद शुक्ला एक गंभीर बीमारी के सर्वाइवर भी है। ममता थोड़ा साफ करिएगा। हाँ, तो उसके बाद वो लगातार मेरे साथ काम करती रही।
लगातार वो मेरे साथ में काम करते रहिए। 1 फरवरी को अगर मैंने एक फरवरी के समय की बात है भारत जोड़ो न्याय यात्रा की, और अगर उस समय मैंने 1 बजे रात को दरवाजा नॉक किया था, उसके बाद वो लगातार मेरे साथ काम करते रहिए। उन्होंने कोई शिकायत क्यों नहीं की, ये एक बड़ा सवाल है। दूसरी तरफ अगर बात करें तो रामलला को लेकर उनका कहना था कि 4 दिन पहले ही वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठी हुई थी, तब तो वो खुद कांग्रेस की तरफ से पक्ष रख रही थी। तो कांग्रेस का ऐसा कहना है कि राधिका खेड़ा जो है वो झूठा आरोप लगा रही है, और इसको इस मामले को लेकर सुशील आनंद शुक्ला आप कह रहे हैं कि वो जो है मानहानि का दावा जो है वो दायर करेंगे, लेकिन इसके साथ ही कांग्रेस के जो कुछ लोग हैं उन पर भी जांच की जाएगी। तमाम जो प्रवक्ता जिन पर आरोप लगाया गया था वो सामने आए। सुशील आनंद शुक्ला का कहना था कि परवेज अहमद जो है, जो मुसलमान प्रवक्ता जो है, वो आज से नहीं है, राधिका खेड़ा के साथ भी काम कर चुके हैं। दूसरे कौन मुसलमान है वो राधिका खेड़ा नाम लगा दे, नाम बता दे। उनका कहना है कि मामले को डाइवर्ट करने के लिए वो हिंदू मुस्लिम और रामलला तमाम चीजें ला रही है जो बीजेपी की पिच कहती है, बीजेपी की स्क्रिप्ट कहती है। अब देखना ये होगा इस पूरे मामले में क्या होगा। जी जाहिर तौर पर ये देखना दिलचस्प होगा क्या होगा इस मामले में। आरोपों को लगा देना और कोर्ट की पिच तक उन्हें ले जाना बेस बनाते हुए, ये दोनों अलग अलग चीजें। बहुत बहुत धन्यवाद ममता आपका, शंकर आपका, बहुत विस्तार से आप लोगों ने जानकारियां दी, हमारे दोनों सहयोगी, और लगातार इस घटनाक्रम को हम बहुत शुरुआत से आपको बता रहे हैं। राधिका खेड़ा और सुशील आनंद शुक्ला का जो ये विवाद है, ये किस तरीके से आगे बढ़ा, राधिका खेड़ा और सुशील आनंद शुक्ला में बहस हुई, पवन खेड़ा के इंटरव्यू को लेकर ये पूरा विवाद हुआ। सुशील आनंद शुक्ला को इस बात की जानकारी नहीं थी, जबकि वो छत्तीसगढ़ कांग्रेस के संचार विभाग के अध्यक्ष हैं। विवाद से जुड़ा एक वीडियो सामने आया था, खेड़ा ने अपमान करने के आरोप लगाए और विवाद को लेकर सोशल मीडिया पर एक पोस्ट भी किया, ये पूरी इसकी एक टाइमलाइन है। तो चलिए झारखंड का रुख करेंगे। झारखंड में ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है, मंत्री आलमगीर आलम के ओएसडी संजीव लाल और उनके सहायक मुन्ना सिंह के घर पर दबिश दी गई। संजीव लाल के घर से इस दौरान 40 करोड़ कैश मिला, मुन्ना सिंह के घर से 3 करोड़ कैश मिला। हालांकि कैश की गिनती चल रही है, माना यह जाएगा कि आंकड़ा और बढ़ सकता है। आलमगीर कौन है? आलमगीर आलम झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री हैं। रांची से सहयोगी ओम प्रकाश इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधा ओम प्रकाश के पास हम आपको लिए चलेंगे। ओम प्रकाश, क्या कुछ अपडेट? 40 करोड़ का एक शुरुआती आंकड़ा आया था, गिनती अभी भी जारी है, मतलब ये आंकड़ा जाहिर तौर पर बढ़ेगा, और ईडी का ये पूरा ऑपरेशन है, इस घोटाले के बारे में भी जानकारी दीजिए ओम प्रकाश। जी बिल्कुल, बता दें कि ये पूरा मामला जो है वो ग्रामीण विकास विभाग से जुड़ा हुआ है, और उसी फहरिस्त में आज जो रांची के 6 लोकेशन पर आज जो है वो रेड हो रही है, जिसमें कि आलमगीर आलम जो कि वर्तमान में झारखंड सरकार में ग्रामीण विकास मंत्री हैं, उनके ओएसडी संजीव लाल, और इसके साथ ही अगर बात की जाए तो उनके जो ओएसडी के नौकर हैं, सर्वेंट हैं, जो कि इसी फ्लैट में रहते हैं, हमारे पीछे उनका फ्लैट है, जो फ्लैट बताया जाता है, ये फ्लैट जो है वो संजीव लाल के जो नौकर हैं, जो उनके सहायक हैं, उनका इसी फ्लैट में मकान है और इसी में वो रहते हैं, और उन्हीं के आवास से, जो जहांगीर आलम उनका नाम बताया जा रहा है, उनके आवास से ही करीब 40 करोड़ रुपए की बरामदगी हुई है। फिलहाल इसकी जांच जो है वो की जा रही है, अब देखना होगा कि इस जांच के बाद किस तरह से तमाम जो चीजें बातें सामने आ पाती है। वहीं दूसरी तरफ जो जानकारी है, मुन्ना सिंह वो शख्स है जो कि संजीव जो लाल हैं, जो कि ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री के ओएसडी हैं, उनके वो काफ़ी करीबी बताए जाते हैं, फैमिली बिजनेस पार्टनर हैं, उनके आवास से भी करीब 3 करोड़ रुपए की बरामदगी हुई है। बता दें कि जहांगीर के आवास में जो रेड चल रही है, जो रेड कंडक्ट हो रही है, यहाँ पर 7 कैश काउंटिंग की मशीन लाई गई है। जो जानकारी सामने आ रही है उसके अनुसार वो आंकड़ा जो है वो कैश का वो बढ़ भी सकता है, और पूरी तरह से उसकी जांच जो है वो फिलहाल की जा रही है। पूरे मामले में जो अब तक जानकारी सामने आई है उसके अनुसार फिलहाल पूरा जो जांच का दायरा है वो बड़ा हो सकता है। इस मामले में कई नए चेहरे जो हैं अब तक वो सामने आ सकते हैं। पूरा मामला जो कि ग्रामीण विकास विभाग के इंजीनियर वीरेंद्र राम से जुड़ा हुआ है, उन्हीं से कनेक्ट है, पिछले साल उनकी गिरफ्तारी हुई थी,
करीब 200 करोड़ से अधिक की संपत्ति की जानकारी ईडी को मिली थी और उसी फहरिस्त में अब जो नए छापेमारी है वो की जा रही है और जो धन कुबेर हैं, दो धन कुबेरों की आज जो जानकारी है वो ईडी को रांची से मिली है। 6 जगहों पर ये रेड चल रही है जिसमें 2 इंजीनियर भी शामिल हैं, पथ निर्माण विभाग से जुड़े हुए वो दोनों इंजीनियर हैं जिनके यहाँ पर छापेमारी चल रही है। तो वहीं एक जो है वो ओएसडी संजीव लाल के जो नौकर हैं, सहायक हैं, उनके आवास पर है, जबकि इसके साथ ही बिल्डर अगर कहा जाए तो मुन्ना सिंह और उसके साथ ही संजीव लाल के 2 आवास पर छापेमारी चल रही है। और इस पूरे फहरिस्त में अगर बात की जाए तो भ्रष्टाचार के नए चेहरे जो बेनकाब हो रहे हैं वो काफ़ी कहा जाए तो लोगों को भी काफ़ी आश्चर्य हो रहा है, क्योंकि ये जो ओएसडी के जो सहायक हैं इनकी इतनी हैसियत नहीं है कि वो इतने बड़ी रकम, करीब 40 करोड़ के आसपास की रकम जो है वो रख सके। तो ऐसे में लोग भी अचंभित हैं। तो वहीं राजनीतिक गलियारे में भी गहमा गहमी और सरगर्मी जो है वो बढ़ी है, आरोप प्रत्यारोप। और ये दरअसल कड़ियां हैं ओम प्रकाश, ये एक सिलसिला है, 2023 से जुड़ा हुआ ये मामला और एक सिलसिलेवार ये आगे बढ़ रहा है। इन्फॉर्मेशन मिलती है फिर रेड मार दी जाती है, शुरुआती जांच में ही 100 करोड़ तकरीबन के खुलासे इसमें हो गए थे फरवरी 2023 के आसपास ही। क्या ये माना जाए कि अब जो आगे की लिंक मिलेंगी, दस्तावेज मिलेंगे, उसके बाद ये शिकंजा और कसेगा और नेता भी इसकी जद में आएंगे? ओम प्रकाश, जो बिल्कुल, फिलहाल जो हमने पहले भी दर्शकों को यही बातें बताई कि जो दायरा है वो बढ़ रहा है और धीरे धीरे जो उसमें नए चेहरे हैं वो शामिल होते जा रहे हैं और इसमें कई सफेदपोश। ऐसे में जो बात यहाँ पर जहांगीर आलम के आवास से जो कैश मिले हैं, ये सबको पता है कि ये कैश इनका नहीं है, ये कैश का सोर्स क्या है, यही जानकारी जो है वो आलम तलाशने की कोशिश कर रही है। हम कहीं सुन रहे थे आलम का कहना ये है कि इससे पहले भी जो संजीव लाल हैं वो 2 लोगों के पीएस रह चुके हैं, उनके एक्सपीरियंस को देखते हुए उन्हें ये जिम्मेदारी दी गई थी। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया ओम प्रकाश आपका इस तमाम जानकारी के लिए, सहयोगी ओम प्रकाश विस्तार से जानकारी दे रहे थे। इधर फरीदाबाद में भी ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है, जांच एजेंसी ने बैंक के लॉकर से 20 किलो सोना, आपने तोले में सोना सुना होगा, यहां किलो में सोना जब्त हुआ है, 20 किलो सोना लॉकर से जब्त किया गया है। पुनीत कुमार नाम के व्यक्ति का यह बैंक लॉकर है, गोल्ड को इंडियन बैंक के लॉकर में रखा गया था। पुनीत पर साइबर क्राइम से मिली रकम को विदेश भेजने के भी आरोप हैं। बीस किलो सोना जब्त किया गया, फरीदाबाद का यह पूरा मामला है। बैंक लॉकर खंगाले गए, इंडियन बैंक का लॉकर था, पुनीत कुमार नाम के व्यक्ति का ये बैंक लॉकर है और 20 किलो सोना यहां से जब्त किया गया है। साइबर क्राइम से जो रकम मिली उसे विदेश भेजने के आरोप भी पुनीत कुमार पर हैं। इनका लॉकर खोला गया तो 20 किलो सोना जब्त हुआ। केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने एक बार फिर बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने करीब 20 किलोग्राम गोल्ड जब्त किया है। पुनीत कुमार नाम के एक आरोपी के लॉकर से 20 किलोग्राम गोल्ड जब्त किया गया है। पुनीत को पिछले महीने नेपाल से लौटने के दौरान दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया था। आरोपी पुनीत के फरीदाबाद स्थित इंडियन बैंक के लॉकर से 20 किलोग्राम गोल्ड बरामद किया गया। साइबर क्राइम से कमाए गए पैसों को विदेश भेजने का भी पुनीत कुमार पर आरोप है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। साइबर क्राइम आज के दौर में हमारे समाज के लिए एक बहुत बड़ा परेशानी का सबब है और साइबर क्राइम से लगभग हर कोई जूझता हुआ नजर आ रहा है। साइबर क्राइम से जुड़े मामले में केंद्र जांच एजेंसी ईडी ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए पुनीत कुमार उर्फ पुनीत महेश्वरी नाम के एक ऐसे आरोपी को पिछले महीने गिरफ्तार किया था जिसके बारे में यह आरोप लगा था कि पुनीत का जो संबंध है कई साइबर क्रिमिनल्स के साथ है। इसी बैंक लॉकर की अगर बात करें तो फरीदाबाद स्थित एक बैंक लॉकर से तकरीबन
20 करोड़ रुपए का गोल्ड को अब जांच एजेंसी ने खुलासा किया है। 20 करोड़ का जो गोल्ड है जो उसके लॉकर में था, अब उसे जांच एजेंसी के द्वारा जब्त कर लिया गया है। निश्चित तौर पे उस गोल्ड के बारे में अब विस्तार से पूछताछ की जा रही है, किस तरह से उसका कई हवाला कारोबारियों के संबंध है, किस तरह से कई ऐसे आरोपी जिसका फॉरन में काफ़ी लेन देन होता है, काफ़ी आयात निर्यात किया जाता है, जो सामानों का करते हैं उन आरोपियों के साथ उसका संबंध है, इन तमाम मामलों में विस्तार से तफ्तीश की जा रही है और कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में इस मामले में जांच एजेंसी के द्वारा कुछ और बड़े खुलासे किए जा सकते हैं। शंकर आनंद, न्यूज 18, दिल्ली। और छत्तीसगढ़ में इन दिनों गर्मी चरम पर है। 24 घंटे में प्रदेश के बेमेतरा में सबसे ज्यादा तापमान 44.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने बिलासपुर, रायपुर और दुर्ग संभाग के जिलों में आगामी 48 घंटों में अधिकतम 42 से 44 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान रह सकता है, इसका अनुमान जारी किया है। मौसम विभाग ने 7 मई को होने वाली 7 लोकसभा सीटों के हिसाब से मौसम का यह हाल बताया है। मौसम वैज्ञानिक चंद्रा ने बताया कि कल लोगों को गर्मी से राहत नहीं मिलेगी। कल छत्तीसगढ़ के कई शहरों में पारा 44 डिग्री के करीब रहेगा, कुछ स्थानों पर बादल भी छाए रहेंगे। विशेष परिवर्तन होने की संभावना नहीं है। दिन में कुछ हद तक बादल रहने की संभावना है, शाम या रात्रि में मध्य छत्तीसगढ़ में बारिश होने की संभावना है, साथ ही साथ गरज चमक के साथ अंधड़ चलने और वज्रपात होने की भी संभावना बनी। और यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए।